जैसे राधे जी, गर्ल करंट एज 25 इयर्स, राइट हैंडेड पर्सन। शुरुआत करेंगे आपके लेफ्ट पाम से, यहाँ से जानेंगे आपके डेस्टिनी को, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में, वहाँ से जानेंगे करंट सिचुएशन को, और फिर जो आपके सवाल है उनका भी हम जवाब देंगे। सबसे पहले आपके सवालों को ले लेते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो मैं करना चाहती हूँ मुझे मिलेगी या नहीं, शादी अपने ही यहाँ पे होगी या किसी और स्टेट में, लव या अरेंज, पिताजी का जॉब। देखो, आपके बारे में जो भी है वो सब चीज़ हम बताएंगे, लेकिन आपके पिताजी के जीवन में क्या है इसके लिए उनकी ही पाम या हॉरोस्कोप से उनके बारे में आपको पता चल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपकी जो गुरु की अप्रोच क्षेत्र है उसे हम देख लेते हैं। आपका जो जुपिटर का अमाउंट है काफ़ी बढ़िया स्थिति में, काफ़ी सुंदर और बेहतरीन योग का निर्माण कर रहा है। इनकी ऐसी स्थिति स्पष्ट तौर पे बता रही है कि आप जिस कार्य को करना चाहते हैं करियर वाइज, गवर्नमेंट जॉब, उनकी स्थिति आपके लिए बिल्कुल सुस्पष्ट है और इसमें किसी प्रकार से कोई भी संदेह और विकार की स्थिति आपके लिए नहीं बन पड़ी है। और आप प्रशासनिक क्षेत्र में आप अपना योगदान देने की स्थिति में है और उससे संबंधित जॉब यानी कि नौकरी ही आपको यहाँ पर प्राप्त होने के स्पष्ट योग बन पड़े हैं। दो दो क्रॉस की जो स्थिति है आपके एक बहुत ही सुंदर बेस पर, ये बहुत ही सुंदर है और एक सुंदर भविष्य को स्पष्ट तौर पर रेखांकित करने का काम कर रही है। इसमें आपको अपने वरिष्ठ जनों का और सहकर्मियों का भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर साथ मिलेगा और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपका जो कार्यभार है उसका निर्वहन आप स्पष्ट तौर पर यहाँ पर करती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा समाज में भी आपकी अच्छी खासी पूछ हमेशा से है और आगे भी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर जो कुछ खूबियां हैं वो स्पष्ट तौर पे आपके लिए संजीवनी का काम कर रही है और आपको लोगों की नज़र में काफ़ी बेहतर बनाने का काम कर रही है। यहाँ की जो गुरु की स्थिति है आपको जीवन में आपके तमाम प्रकार के सुख देने को स्पष्ट तौर पे बाध्य है, लेकिन इसके साथ ही एक कसक है जो कि हमेशा आपके जीवन भर रहेगी। जब आपकी हर्ट लाइन को हमने यहाँ पर रेखांकित किया था और जब इन्हें हमने एनालाइज किया, जो सबसे बड़ी परेशानी की यहाँ पर वजह है, जो आपके एक सवाल से भी संबंधित है कि मैरिज लाइफ कैसी होने जा रही है और खासकर लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अरेंज मैरिज के कोई योग नहीं है, यानी कि आपका लव मैरिज होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जो मैरिज है वो यहाँ पर सक्सेस होती बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, रियली सॉरी। बट उसके देखो, आपने बोला कि मुझे क्लियर कट जानना है, इसलिए क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज इन चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और ऊपर से आप स्ट्रांग हार्ट की हैं, आप इन चीज़ों को समझ सकती हैं, इसलिए आपको बताने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो अरेंज मैरिज की कोई योग नहीं है, होगी लव मैरिज, लेकिन आपकी मैरिज यहाँ पर चलने के कोई भी योग कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। अब बात करेंगे आपके सैटर्न के अमाउंट की। सैटर्न का अमाउंट आपके लिए यहाँ पर विशेष लाभकारी नहीं दिख रहा है और समय समय पर अलग अलग प्रकार की परेशानी आपके लिए पैदा कर रहा है, जिस कारण आप अपने जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित विकारों से यहाँ पर काफ़ी तकलीफ में रहने वाली हैं। इसके अलावा पैसों से संबंधित तंगी भी आपके जीवन में काफ़ी हद तक यहाँ पर दिख रही है। अब आपके पास जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो इस सोचनीय विषय हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है। उसके लिए आप जब हस्तरेखा के इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका रीजन क्या बनता है। इसके बाद बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य यहाँ पर काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है, काफ़ी अच्छी स्थिति को दिखाने का काम कर रहा है, जिसके कारण अपने कार्य क्षेत्र में आप बेहतर रूप से अपने आप को साबित कर पाने की स्थिति में यहाँ पर बन रही है और लोगों की नज़र में आने वाली स्थिति आपके लिए बन पड़ी है। हालांकि नेत्र से संबंधित विकार के योग स्पष्ट तौर पर आपके जीवन में बने हुए हैं। इसके अलावा एक होता है आपको प्रॉब्लम फूड पॉइजनिंग, ऐसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी रोग आपके जीवन में यहाँ पर आ रहे हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। हड्डियों यानी बोन से संबंधित विकार भी आपके जीवन में यहाँ पर हैं। और इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर है कि कई बार आप अपने बहुत कीमती चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगे, अनायास ही आपके हाथों से निकल जाएगा, चाहे वो मौके के रूप में हो या धन के रूप में हो या प्रॉपर्टी के रूप में हो। इसमें से कुछ ना कुछ आपको खोना है अंडर 34 और ये आपके हाथों से जाएगा, तो मेरे ख्याल से उस पर आपको निगाह रखनी चाहिए। सूर्य से संबंधित ही है, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा, सूर्य से संबंधित है, आपको निगाह रखनी पड़ेगी। और ये जब भी जाएगी उस समय बिल्कुल मई से लेकर अगस्त तक के महीने का समय होगा,
उसी समय। तो इस पर आपको ध्यान देके आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आपके बुद्ध के क्षेत्र की, यहाँ की उपस्थिति कैसी है। देखो विचारों का संयोग जो आपके अंदर है ना, यानी कि सबसे पहले बुद्धि और विवेक की स्थिति की अगर बात करें तो बड़ा सुंदर है। अगर किसी और को प्रवचन देना हो, चीजें बतानी हो, सही तरीके से जीने की कला बतानी हो, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उसे बता पाएंगे। लेकिन अपने जीवन में जब परेशानियां आती हैं उस समय आप उन चीजों को संभालने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। इसका कारण क्या होगा कि बिगड़े हालातों को आप फिर से संवार नहीं पाएंगे और ये चीजें बद से बदतर होती चली जाएगी, बिगड़ती जाएगी और वो आपके लिए फ्यूचर में बड़ी परेशानी का कारण बनती चली जाएगी। इसके अलावा बात करें आपके दूसरे मंगल की, मंगल की स्थिति काफी अच्छी है। वाक्पटुता आपके अंदर काफी अच्छी है। लोगों से जब आप बात करेंगे कोई भूल नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आपके अंदर स्पष्ट तौर पर बन रही है। और एक जिसे कहते हैं ना, एक बेहतरीन रूप से आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाने की स्थिति में यहाँ पर हैं। लेकिन रक्त संबंधित विकारों से जातक को बचना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित कुछ विकार है वो आपके अंदर काफी ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ ऐसा आघात लगता है कि बड़ी तीव्र उत्तेजना होती है और हम अनकॉन्सियस हो जाते हैं, समझ बूझ बिल्कुल खो बैठते हैं शुद्ध बुद्ध। तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में कई दफे ऑलरेडी आप बचपन से आ रही होगी, आगे भी आएगी। तो इस समय में अपने आप को अंदर से थोड़ा स्ट्रांग करो। ठीक है, नहीं तो आगे जो बड़े बड़े झटके अगर कुछ आएंगे तो उस समय ये चीजें आपके लिए बड़ी दुखदाई हो जाएंगी। तो इससे बच के रहना आपके हक में रहेगा। देखो चीजों को क्लियर करना इसलिए भी ज्यादा आसान था क्योंकि आप उन झटकों से ऑलरेडी खेल रही हैं बचपन से, और आपको अच्छे से पता है कि जिंदगी में अगर जो आप चाहते हो, कई दफे आपकी जिद हो जाती है जानते हुए भी कि चीजें सही नहीं है, लेकिन जिद पूरा करना होता है क्योंकि मन से नहीं उतर पाता। ठीक है, दिल से नहीं निकल पाता और आपको लगता है कि चलो 1% भी अगर उम्मीद है तो उसे ही हम पॉजिटिव मान लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमेशा 1% 99% की तरह नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से आप जानबूझ के जानेंगी, समझेंगी, देखेंगी और देख रही भी हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ गलत स्टेप्स उठाएंगी और उसका खामियाजा आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर यहाँ पे आएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके अलावा द्वितीय मंगल की स्थिति अगर देखें तो इस सामान्य स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रहा है, वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। शुक्र की बात करें, शुक्र काफी तीव्र रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है, कामुक प्रवृत्ति विकसित होगी और काम क्रिया प्रति जातक के मन में बहुत ही नेक विचार होंगे और ये एक अच्छी स्थिति जिसे हम नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी वाइज आपके लिए योग काफी सुंदर है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई हानि की स्थिति नहीं दिख रही है। प्रॉपर्टी हमेशा आपके पास बनी रहेगी, लेकिन अगर लिक्विड मनी की बात करें तो उस मामले में आप काफी यहाँ पर गरीब दिख रहे हैं। इसके अलावा चंद्र की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र की स्थिति आपके लिए सामान्य है, यहाँ से कोई ज्यादा नुकसान के योग नहीं बन रहे हैं। हालांकि अपनी बिरादरी की स्त्रियों से आपको काफी सावधान रहना चाहिए और जो इन लॉज होंगे वो भी आपके विरोध में यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिख रहे हैं। अब नीचे के क्षेत्र में अगर हम चलते हैं तो नीचे जो आपका केतु का क्षेत्र है वो आपके लिए यहाँ पर धन वृद्धि का योग बना रहा है, लेकिन संतान वृद्धि के कोई भी दूर दूर तक योग नहीं बन रहे हैं। भाग्य रेखा आपके निर्बल के साथ साथ निष्क्रिय भी हो चली है, इसलिए इसका सहयोग आपको यहाँ पर बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। नियति के आधार पर जो कुछ योग है वही आपके लिए बस निर्मित हो रहे हैं। इसके अलावा आपके चंद्र के क्षेत्र से भी एक द्वितीय भाग्य रेखा का उदय हुआ है, लेकिन यह भाग्य रेखा भी कहीं ना कहीं काफी जख्मी है और पूर्ण रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है। अपनी पूरी शक्ति का मात्र 10% या 15% ही अपना काम कर पा रही है। ऐसे काम की स्थिति में कई दफे जो आप चाहेंगे, जिस बड़े स्तर तक जाना चाहेंगे, उस स्तर तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अंदर में उतावलापन इतना ज्यादा रहेगा, अंदर में फोर्स इतनी तीव्र रहेगी कि उन चीजों को पाने के लिए आप किसी भी हद तक एक एज लिमिट को भी क्रॉस करना चाहेंगे। उस खास करके मैं करियर से रिलेटेड बता रहा हूँ आपको, उसे पाने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद आपको निराशा हाथ लगेगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर हम बताएं तो बैंकिंग जॉब बिल्कुल क्लियर है, आप उसमें जा सकते हैं प्रशासनिक पद पे। इसके अलावा राज्य आधारित जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं गजेटेड ऑफिसर वाला, उसमें आप करेंगी तो आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा, आप स्पष्ट तौर पे वहाँ पे जा रही हैं। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आप अपनी उम्र के 28वें वर्ष होते होते निश्चित तौर पर उसे प्राप्त कर रही हैं।
इसके अलावा बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य संबंधी विकार यहाँ पर आ रहे हैं। बिजनेस किसी भी प्रकार का कभी भी न करें, नहीं तो वहाँ पे आपके लिए नुकसान के स्पष्ट योग बनते चले जाएंगे। मस्तिष्क रेखा फिलहाल तो काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन विपरीत समय में ये विकृत काम करती है, जो कि अच्छा नहीं है। 37वें वर्ष से लेकर 39वें वर्ष के मध्य में जातक को काफी सावधानी बरतनी है, नहीं तो उस समय कई दफे ऐसा आएगा कि जिस समय आपको आपका होना तकलीफ देने लगेगा। तो इसलिए उन चीजों से खुद को दूर रखें, तनाव से दूर रहें, और ज्यादा प्रेम किसी से ना करें, ज्यादा नफरत किसी से ना करें, क्योंकि ज्यादा प्रेम ज्यादा नफरत दोनों मारती है। ठीक है, आसक्ति को थोड़ा दूर करें और अपने आप से थोड़ा ज्यादा प्यार करें, और जो नहीं दिखता है उससे प्यार करें। ठीक है, क्योंकि वो प्यार न कभी ज्यादा होगा न कम होगा, वो कभी धोखा नहीं देता। इसलिए उस परमपिता से करो, बहुत अच्छा है। खुद से करो वो भी ठीक है, चलेगा, लेकिन किसी ऐसे से मत करो जहां पे अपूर्ण रूप से आश्रित हो जाए और उसके बाद वो पूर्ण रूप से आपको डिस्ट्रॉय करके निकल जाए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो बाहर के क्षेत्र में, यानी कि राहु के क्षेत्र में जो परिस्थितियां बन रही है वो आपके हक में नहीं है, और इनकी स्थिति आपके लिए काफी डावाडोल होकर चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप विभिन्न माध्यमों से काफी ज्यादा धन अर्जित करेंगे, लेकिन आपके धन का उपभोग कोई और कर जाएगा, उससे आपको लाभ होने की स्थिति नहीं बनेगी। आप जो अगर कुछ प्रॉपर्टी बना लेंगे, आपको पैतृक रूप से जो कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी वही आपके पास रहेगी, नहीं तो लिक्विड मनी के रूप में कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा। तो कोशिश करना चाहिए आपको कि अपने धन का कुछ अगर संग्रह कर सके तो करके बचाने की कोशिश, तो ये आपके हक में रहेगा फ्यूचर में भी। अब हम चलते हैं आपकी दयनीय हथेली में, एंड वहां से जानते हैं कि करंट में चीजें किस प्रकार से जा रही है। सबसे पहले हम गौर करेंगे यहाँ पर जो आपका तिल उपस्थित है, इसमें मान अपमान सब सह के और दुनिया के विरोध के बाद भी, सही गलत के भेद के बाद भी, अगर आप किसी पर यकीन करती हैं, किसी को लेके आगे चलती हैं, और सामने वाले की फितरत अगर गद्दारी की है, धोखा देने की है, तो वो आपको भी ले डूबता है। और ये सब समझते हुए भी, इनफैक्ट कि दुनिया जो कहती है वो कई दफ़े आपको मालूम होता है क्योंकि नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप भरोसा करती हैं, तो ये भरोसा आपके दामन पर भी दाग लगा के जाने वाला है। और ये आपके सिर्फ सामाजिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करेगा, आपके स्वयं के जीवन को भी, आपकी आत्मा तक को तकलीफ देने वाले ये कार्य होंगे, और उसके लिए निश्चित तौर पे जिम्मेदार आप खुद हो जाती हैं उस टाइम में। तो इस चीज को आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे काफी बेहतर रूप से समझना चाहिए। होता है कई दफे कि नहीं, हमें परिवेश छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं, शायद दूसरी जगह हमें सुकून दे दे, किसी को छोड़ दोगे, खुद को कहाँ छोड़ोगे, खुद की आत्मा को कहाँ छोड़ोगे, खुद के मन को कहाँ छोड़ोगे, वो तो साथ साथ चलेगी ना। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत की थी कि भाग के गया नेपाल और साथ में गया कपार, वो मतलब उसकी किस्मत। ठीक है, तो साथ में गई किस्मत, तो वही बात, तुम कहीं चले जाओगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो किस्मत आपके साथ साथ चलती रहती है। तो चीजों को जहां हो ना वहीं ठीक कर दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे आपके गुरु के इस अमाउंट की। गुरु का जो फिलहाल अमाउंट है ये काफी मतलब एक तरीके से ऐसे कहते हैं ना कि चीजें उलझी हुई स्थिति में है। ठीक है, तो फिलहाल आपका ध्यान अपने जो आने वाला समय है खासकर करियर पे केंद्रित बिल्कुल भी नहीं है, और इस कारण आपकी चीजें खराब होती जा रही हैं। आप तत्काल अपने आप को एकनिष्ठ करें, एकाग्रता बढ़ाएं और अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि ये समय आपके लिए फाइनल है बिल्कुल। इस समय अगर आप चूक गए, हालांकि चूकोगे नहीं, किस्मत में वो देखे ही जाएगी, जॉब तो आपकी पक्की है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी, हो जाती है ना, मिल जाएगी, लेकिन मान लो मैनेजर की मिलनी है, बन जाओगे प्यून, क्या फायदा। तो ऐसा नहीं, वहां पे ऐसी रहे कि पोस्ट भी मिला, पदवी भी मिला, सम्मान भी मिले, ठीक है, अच्छी रैंकिंग मिले, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको फिलहाल इस पे ध्यान लगा के करना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा शनि की स्थिति की बात करें, शनि यहाँ पर अभी फिलहाल आपके लिए साथ नहीं दे रहा है, काफी मुश्किल स्थिति में ही है, तो इनसे संबंधित कुछ उपाय हैं जो कि आपको करने चाहिए, तो ये उपाय करना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा जो हृदय रेखा की स्थिति है फिर से यहाँ पर परिस्थितियों को मुश्किल ही बना रही है। कई दफे आपको चिकनी चुपड़ी बातें बहुत ढाढ़स बंधाती है और आपको लगता है कि नहीं चीजें ऐसी ही हमेशा रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूर्य जो सुबह उदय होता है इतनी सारी आशाओं को लेके आता है, वो भी शाम होते होते डूब जाता है। ठीक है, और जिंदगी का तो कुछ है ही मत। तो इसलिए क्या है कि चीजों को
मतलब सिर्फ सपनों में ना सोचें, यथार्थ में जो जिंदगी है ना उसमें भी चीजों को देखें, जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखें, ठीक है। एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, तो जो दूसरों के लिए बुरा है ना वो आपके लिए भी कभी ना कभी बुरा होगा ही, अच्छा हो ही नहीं सकता है। और जो अच्छा है ना, थोड़ी देर के लिए कोई हिट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो जैसा है वैसा ही रहता है। पानी को कितना भी गर्म कर दो अंत में थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए गर्म हुआ ना, लेकिन जो हमेशा गर्म रहे, अब जैसे आग है वो ठंडा थोड़े ना होगा, और ठंडा होगा यानी कि खत्म हो गया तभी ठंडा होगा। तो बस ऐसी स्थिति है, तो चीजों को देखो, कई दफे प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। सपने बस जब तक नहीं हो इस दुनिया में तभी तक अच्छे लगते हैं, जब यथार्थ में आ जाते हो ना तो पता चलता है कि उनकी क्या असलियत है, वो कितने काम के थे। मंगल की जो यहाँ पर स्थिति है ये आपके हक में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो अपने लिए फिलहाल आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने लोगों पर, खासकर जो आपके खून के रिश्ते हैं, उन पर निश्चित तौर पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए, वो आपके हित में रहेगा। अन्यथा आपकी जीवन रेखा मणिबंध से लेके जीवन रेखा के अंतिम, इसके अलावा मंगल और मस्तिष्क रेखा की स्थिति सब बता रही है कि 34 के बाद का जो साल है कितना टफ होने जा रहा है, ठीक है। या तो खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि सब सह लो, और नहीं तो उस समय कायर वाली कोई हरकत ना करियो तो अच्छा है। चंद्र को थोड़ा सा संभाल लेना भी आपके हित में रहेगा। इससे संबंधित कुछ रेमेडीज हैं जो आपको बताई जाएगी, और शुक्र की प्रबलता पर विराम लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा हित कर रहेगा, अत्यधिक हित कर रहेगा, ठीक है। दुनिया इस शरीर से बहुत आगे है, ये आपको हमेशा सोचना चाहिए, और आपके सुख से, आनंद से भी बहुत आगे है। असल सुख जीवन का कुछ और है, ठीक है। तो इस जीवन को किसी और तत्कालिक सुख के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद करना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं होती, ऐसा मेरा मत है, ठीक है। तो चलो, ये था आपका, आपके लिए 1 मिनट, आपके क्वेश्चन खासकर करियर वाइज। देखो, करियर का कर लो, गवर्नमेंट जॉब पक्की है, ठीक है, और वो भी गेजेटेड अफसर वाली है, तो वो आपकी निश्चित है। और कुछ और क्लैरिफाई करनी हो तो इसके लिए आप अपने हॉरोस्कोप की डिटेल्स साझा कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो सर्विसेज है उसके अकॉर्डिंग उसका विश्लेषण भी करके आपको कुछ योग दोष की स्थिति है तो बताई जा सकती है। अकॉर्डिंग टू पाम जो भी योग दोष है वो आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। इसके अलावा जो शादी की बात है, शादी के मामले में आपको सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका सबसे वीक पॉइंट वो होने वाला है। इनफैक्ट कि लाइफ थर्ट एंड आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती के रूप में वो चीजें आपके लिए एक धब्बे के रूप में आपके साथ ना जुड़ जाए, इस पर आपको स्पष्ट तौर पे ध्यान देना है। इसके अलावा आपके पिता की बात करें, पिता को आप जीने तो जिएंगे, मिलते हैं फिर, जय जय श्री राम।